मेरी इन बातों से अगर किसी को बुरा लगे और बोरिंग फील हो तो मैं इनसे माफी मांगता हूँ। चलिए अब असली काम पर आ जाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एनिमल ट्रीटमेंट हाउस WB। सभी पशुपालक भाई और बहनों को हमारे चैनल पर वेलकम, और जो लोग पशु पालते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से रहा। शायद आप लोग ऐसा समझेंगे कि जिस टाइप का वीडियो मैं यूट्यूब पर देता रहता हूँ, हाँ ये बंदा पक्का ये मेडिसिन को बेचने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देता है। नहीं, मैं यूट्यूब पर मेडिसिन को बेचने के लिए वीडियो नहीं देता हूँ। जो लोग पशु पालते हैं, हाँ जो लोग पशु पालते हैं वो लोग हर वक्त लॉस में रन करते रहते हैं। ज़रा सोचिए, मेरे वीडियो से अगर उनका थोड़ा सा उपकार मिले तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं मिलेगा। एक बात नोटिस कीजिएगा, मेरा जो चैनल है इसमें सब्सक्राइब एकदम कम है। देखिएगा, सब्सक्राइब एकदम कम है, फिर भी मैं वीडियो देता रहता हूँ। क्यों? उनकी हेल्प के लिए। जो लोग पशु पालते हैं उनकी हेल्प के लिए। मुझे खुशी मिलता है ऐसा वीडियो बनाकर, मुझे खुशी मिलता है, इसलिए मैं इस टाइप का वीडियो देता रहता हूँ। मेरा वीडियो हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे वीडियो पर वो नचना गाना ऐसा टाइप का नहीं रहता, इसलिए सबको अच्छा नहीं लगेगा। वीडियो पर मैं ऐसा बोला कि पशुपालक भाई और बहनों के लिए मेरा वीडियो बनता है, हाँ ये तो सच है। और रही बात हेल्प की, मैं पैसों से उनका हेल्प तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में इतना क्षमता नहीं है। मेरी वीडियो से और मेरी बातों से अगर उनका थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं मिल सकता। चलिए रहने दीजिए इन बातों को, आगे बढ़ते असली बातों पर आ जाते हैं। मेरी इन बातों से अगर किसी को बुरा लगे और बोरिंग फील हो तो मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। चलिए अब असली काम पर आ जाते हैं। ये पायलसी इंजेक्शन फॉर्म पर है। ये है क्या चीज़, कहाँ पर दिया जाता है, सूंघा जाता है या बॉडी पर लगाया जाता है, इसी का डिटेल्स इस वीडियो पर रहेगा। इसका नाम है पायलसी, कंपोजिशन है एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन फॉर्म पर है। ये क्या है इसी के ऊपर वीडियो बनेगा, आगे देखते रहिए। अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पशुपालक भाई और बहनों के अंदर शेयर करवा दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ये पायलसी में, हाँ ये पायलसी में जो कंपोजिशन है एस्कॉर्बिक एसिड, ये है क्या चीज़, इसी को पता करेंगे। एक्चुअली ये विटामिन सी इंजेक्शन पता लग गए ना। अब तक विटामिन सी को ओरली फॉर्म पर देखे थे, जिसका नाम है प्रोटीन सी। उसका पिक्चर हम स्क्रीन पर देखकर रखेंगे। और अब ये इंजेक्शन फॉर्म पर आए हैं, जिसका नाम है पायलसी, कंपोजिशन है एस्कॉर्बिक एसिड, इंजेक्शन फॉर्म पर है। ये आईवी रूट पर भी दे सकते हैं, आईएम रूट पर भी दे सकते हैं। अब थोड़ा पता करेंगे ये कौन कौन सी एनिमल पर आप यूज़ कर सकते हैं। हर एक एनिमल पर आप यूज़ कर सकते हैं, बस डोज का फर्क है। डॉग्स पर यूज़ कर सकते हैं, गोट्स पर यूज़ कर सकते हैं, कैटल पर यूज़ कर सकते हैं, कैटल मतलब काउ बफेलो, शिप पर यूज़ कर सकते हैं, तुम्बा पर यूज़ कर सकते हैं, हर किसी एनिमल पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा पता करेंगे कि ये कौन कौन सी डिजीज पर यूज़ किया जाता है, यही तो असली बात है। ये पता कर लेते हैं कि ये पायलसी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, जिसके अंदर है विटामिन सी, इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे एनिमल किसी बड़े डिजीज से रिकवर हो रहा है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस एनिमल को जल्द से जल्द रिकवर मिल सके। हाँ, कुछ कुछ डिजीज ऐसा भी होता है ट्रीटमेंट के साथ साथ,
जैसे एंटीबायोटिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी ये विटामिन सी दिया जाता है। और कुछ कुछ डिजीज ऐसा भी होता है रिकवर होने के टाइम ये विटामिन सी देने से वो एनिमल जल्द से जल्द रिकवर हो पाएगा। अब हम इन बातों की और भी डीप पर जा रहे हैं, हाँ इन बातों की और भी डीप पर जा रहे हैं, वो कौन सी डिजीज है, हाँ वो कौन सी डिजीज है या फिर वो कौन सी टाइप का डिजीज होते हैं जिसकी साथ साथ या ट्रीटमेंट की मिडिल पर ये विटामिन सी दिया जाता है। कैटल से शुरू करते हैं, जैसे FMD, जैसे लंपी, इस टाइप की डिजीज पर ये वायरल डिजीज होते हैं। इस टाइप की डिजीज के ट्रीटमेंट के साथ साथ आप इस पाइल सी मतलब विटामिन सी इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक दे रहा है एट्सेट्रा एट्सेट्रा मेडिसिन दे रहा है, उसके साथ ये भी आप दे सकते हैं ताकि उस एनिमल को जल्द से जल्द रिकवर मिल सके। अब आ जाएंगे छोटे एनिमल पर, हाँ अब आ जाएंगे छोटे एनिमल पर, जैसे डॉग। डॉग की स्किन डिजीज होते हैं, बार बार स्किन डिजीज होते हैं, रिपीट आते हैं। देखिएगा हर वक्त खुजला रहा है, ये यूज़ कर रहे वो यूज़ कर रहे, काम नहीं मिल रहा है, हो रहा है फिर से रिपीट आ रहा है। वहाँ पर आप इस एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी को उसी जो जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये पाइल सी मतलब विटामिन सी इंजेक्शन का और भी दो गुण कह देते हैं। एक जो मिल्किंग एनिमल होते हैं मतलब दूध देने वाला एनिमल जो होते हैं उनकी दूध देखिएगा बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, हाँ बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, अगर कम हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वो मिल्क का फ्लक्चुएट बंद हो जाएगा। और दूसरा गर्मियों के सीजन पर देखिएगा एनिमल का मतलब कैटल का ज़्यादातर, डॉग्स का भी है, ज़्यादातर सांस फूलने लगता है, हाँ सांस फूलने लगता है, तब इस विटामिन सी का यूज़ कीजिएगा। देखिएगा वो सांस फूलना कम हो जाएगा, मतलब हपने लगता है, वो हपना कम हो जाएगा, सांस फूलना कम हो जाएगा। और साथ में उसे दो बार दिन में दो बार कम से कम नहला दीजिएगा, बस इसका गुण शायद मैं पूरा दे चुका हूँ, इसका बेनिफिट पूरा दे चुका हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और उन पशुपालक भाई और बहनों में ये वीडियो शेयर करवा दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिले, हेल्प मिले। आज यही तक, फिर मिलेंगे किसी ना किसी वीडियो पर।